हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और तो आज हम मन्नू भाई को जिम कॉर्बेट का थोड़ा सा एरिया घुमाते हुए यहाँ पे आए हुए हैं। जो ये लोग देखिए सफारी से धूल धूल करते हुए जा रहे हैं, बाकी हम लोग यहाँ पे अपनी बाइक से आए हैं, अपनी सीडी डिलक्स, जो कि काफ़ी अच्छा एवरेज देती है और ठीक है, मतलब ऑफ रोड भी चल सकती है ये गाड़ी। तो ये यहाँ की नदी है पीछे, अच्छा बैक भी हो जाता है, ये पीछे यहाँ की नदी है। अभी ये बरसात में पूरी भर जाती है दोस्तों, पूरी भर जाती है। तो मन्नू भाई से कुछ पूछना चाहेंगे कि आपको यहाँ थोड़ा बहुत व्यू यहाँ का, मन्नू भाई कैसा लगा आपको यहाँ पे? मैं तो पहली बार आया लेकिन बहुत अच्छा है, शांति है। आप देख सकते हो कितना, आप तुम्हारे पीछे भी देखो जंगल में पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन साला मनुष्य जहाँ भी जाएगा ना गंद फैला देगा। आराम से रहो, इन्जॉय करो यहाँ पे, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। बस यही सच्चाई है कि जहाँ भी आदमी पहुँचा है वहाँ मतलब गंदगी मतलब होनी है होनी है। तो यहाँ पे मतलब नेचर ब्यूटी काफ़ी अच्छी है यहाँ की। देखो दो सफारी पीछे और आ रही है, और दो सफारियाँ और आ रही हैं यहाँ से, देखिए दो सफारी देखता हूँ जूम करके, दिख रही हैं नहीं दिख रही हैं इसमें जूम करके, ये देखिए एक सफारी ये रही, एक सफारी ये रही और पीछे इसके आ रही है एक सफारी। ये सारा जिम कॉर्बेट का एरिया है यहाँ पे, मतलब लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, दिल्ली मुंबई, काफ़ी लोग यहाँ के मतलब जानवर देखने के काफ़ी शौकीन रहते हैं लोग यहाँ पे, तो देखने आते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे। तो ये मन्नू भाई भी यहाँ का व्यू का मजा ले रहे हैं। अभी सोच रहे हैं कि हम आगे ना जाएं अभी, क्योंकि ये ज़्यादा ही घना जंगल है और यहाँ पे रात के टाइम में सही भी नहीं है। क्यों मन्नू भाई, सही कहा ना मैंने? रात के टाइम पे तो वैसे भी नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे जाना भी नहीं चाहिए रात के टाइम पे, और कायदे कानून फॉलो करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए, वही है बस। इतनी दूर से आ रखे हैं आप लोग, इतनी दूर से आ रखे हैं तो काफ़ी मतलब वही है, हम लोग भी ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, मतलब देखते हैं कल घूमने जाएंगे, कल कैसा दिन रहता है हमारा वो आपके साथ शेयर करेंगे ज़रूर, कैसा दिन है और कैसा क्या है। तो ये सफारी वफारी आ रही है, बाकी शाम के टाइम में थोड़ा घूमने का मज़ा ही अलग है, क्योंकि बढ़िया से अपना जंगल के बीचों बीच में हैं हम लोग अभी यहाँ पे, तो ठीक है यहाँ पे। बाकी ये देखिए सफारी आ रही है यहाँ से, जंगल सफारी, टूरिस्ट लोग इसमें बैठे हैं, ये जंगल के बीच से आ रहे हैं हम लोग, अभी आगे नहीं जा रहे क्योंकि शाम का टाइम हो गया, 6 बज गए। तो अभी एक हादसा हो गया मेरे साथ, चप्पल टूट गई है, अब हम घर जा रहे हैं वापस, इससे आगे अब हम जा भी नहीं सकते, तो अब हम घर को जा रहे हैं। देखिए ये लोग मस्त घूम के आए हैं अपना, बाकी हम लोग भी अब घर को दूसरी चप्पल चेंज करके आता हूँ मैं। बैक कैमरे ठीक है ठीक है। हाँ तो दोस्तों ये हम लोग घर की वापसी हो जाते हुए, अब ये देख लीजिए कितने लोग धूल उड़ा, कितनी धूल उड़ ली है यहाँ पे, कितना वो हो रखा है, अभी आराम से ही बाइक चलाए इसमें। तो दोस्तों यहाँ मैं रनिंग करने जाता हूँ, चढ़ाई है काफ़ी यहाँ पे और मतलब अच्छा है यहाँ पे, पेड़ों की छाँव में। मन्नू भाई भी बैठे हैं बाइक में, आज मन्नू भाई को घुमाने निकले हैं। मन्नू भाई हेलो कह दो। हेलो। तो काफ़ी सही रोड है, अच्छी रोड है, प्यारी रोड बना रखी है यहाँ की काफ़ी, मतलब गाड़ी इस पर। ये देखिए आप लोग यहाँ पे रनिंग करने आते हैं हम लोग, आपको बताएंगे कहाँ तक हम लोग रनिंग करने आते हैं यहाँ से, ये पूरा जिम कॉर्बेट के अंदर ही आता है और काफ़ी अच्छा जंगल है। भाई को पूछते हैं याली रोड, मन्नू भाई कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी रोड है, सात भरी रोड है, और समय मौसम इतना प्यारा हो रखा है यहाँ पे, ठंडा ठंडा, हम तो खुद गर्मी से बचने के लिए आ रहे हैं। मन्नू भाई गर्मी से पंतनगर से आए हैं गर्मी से बचने के लिए, वहाँ तो इतनी गंदी गर्मी होती है क्योंकि पहले मैं भी वहीं रहता था, अब यहाँ पे आके इतना सुकून मिलता है कि मतलब पूछो मत, वहाँ तो काफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म और मच्छर के बीच में, यहाँ मच्छरों का मतलब नामो निशान नहीं है, बहुत कम है मच्छर बट बहुत कम है, वहाँ तो बाहर खड़े हो जाओ तो मन्नू भाई से पूछ सकते हैं आप कितने मच्छर होते थे, मच्छर ही मच्छर होते बड़ा गंदा हाल कर देते, कुछ लाते परेशान हो जाते हैं आपको। यहाँ पूरी रोड ये यहाँ रनिंग ही जाता हूँ मैं, 3 किलोमीटर का है पूरा है। मन्नू भाई मोबाइल पकड़ेंगे, ये पूरा भाई मन्नू भाई रनिंग करके आते हैं हम यहाँ तक, पूरा बताते हैं आपको। काफी अच्छी जगह है ये, आप लोग भी आए कभी यहाँ पे जिम कॉर्बेट, आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों से? मन्नू भाई यहाँ पे कभी कभार आए लेकिन आप डेली मत आओ यहाँ पे, कभी कभार आओ लेकिन आओ आराम से रहो, लेकिन गंदगी मत फैला के जाओ यहाँ पे। ये एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है मन्नू भाई ने हमारे दोस्तों के लिए,
कि यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए होटल वोटल लोग यहाँ पे फेंक देते हैं, ऐसे ही टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्टों ने खूब मतलब थोड़ा बहुत कर रखा है। कुछ लोग टूरिस्ट अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सफाई नहीं रखते हैं, वो अपना कचरा अपने साथ ही ले जाते हैं, जो भी कुछ यूज़ करा जैसे लेज वगैरह खाए तो वो अपने साथ ही ले जाते हैं। इसको मतलब बरकरार रहने दीजिए इन जंगलों को। बाकी क्या कहना चाहेंगे मन्नू भाई आप? यही कहना चाहूँगा, आप कभी कभार आओ, साल में एक या दो साल में, लेकिन डेली मत आओ, हमेशा मत आओ। जितना जहाँ जहाँ इंसान जाता है इंतजार भी करना होता है, और जंगल है, पेड़ रहेंगे तभी तो कुछ छाव रहेगी, ठंडा रहेगा।